और मुख्यमंत्री की तरफ से अलग से आपको पैसा आएगा। जो किसान जीवन बीमा योजना होती है उसके अंदर 5 लाख रुपये इनको राशन दिया जाएगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री का अलग आएगा, हर प्रकार की सहायता इनको मिलेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। आपके पास सबके भाई हैं, पूरा का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। हम लोग साथ हैं, हम लोग तो शोक संबंधा व्यक्त करने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम कुशवाहा। हरिओम कुशवाहा, आपके भतीजे की मौत हो जाती है हादसे में। आप जो आज मंत्री जी आए थे, कैबिनेट मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या आश्वासन दे गए? क्या उनके आश्वासन से आप संतुष्ट? हमने एक छोटी सी नौकरी के लिए मांग की थी, उनको कुछ भी, हमसे कुछ भी बोल के नहीं गए। आगे क्या भाजपा आपकी मांग को अनसुना कर रही है? क्या? हाँ जी, अनसुना ही हो रहा है कार्यकर्ता को। तो फिर क्या आगे रुख अपनाएंगे? हम धरने पर बैठेंगे। ठीक है, कार्यकर्ता की मौत हो जाती है हादसे में, उसके परिवार धरने पर बैठे हैं मांग को लेकर। क्या मांग को लेकर? धरने पर कहाँ बैठे हैं? अरे ये तो शोक सभा थी भैया, शोक सभा है, धरना नहीं हुआ। कल तो बैठे, कार्यकर्ता की एक्सीडेंट में मौत हो गई। जगदीश कुशवाहा कौन है? जगदीश कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता था। पार्टी के कार्यक्रम में दुर्घटना का शिकार हुआ, मौत हुई। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार इस दुख की घड़ी में परिवारजनों के साथ खड़ी है। हर दृष्टि से हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। चूँकि जगदीश कुशवाहा पार्टी का कार्यकर्ता था, इसलिए हमारी सबकी जवाबदेही बनती है कि उसके दुख की घड़ी में उसका आंसू पोंछा जाए, हर मौके पर उसकी मदद की जाए। इसलिए पार्टी भी मदद में खड़ी है, सरकार भी मदद में खड़ी है। सरकार की तरफ से जो भी हित लाभ योजनाओं का लाभ उसे उपलब्ध कराया जा सकता है वो कराया जाएगा। मुख्यमंत्री कोष से आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। पार्टी ने 2 लाख रुपए का उसको आर्थिक सहयोग दिया। और किसान बीमा जीवन योजना के अंतर्गत उसे 5 लाख रुपए का अलग से धनराशि उपलब्ध होगा। पारिवारिक लाभ का 30,000 रुपया अलग से प्राप्त होगा। जो भी सुविधाएं अपेक्षित हैं सब दी जाएगी। और आज यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं, मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ, परिवारजनों से भी मिला, श्रद्धा सुमन भी मैंने अर्पित किया। और साथ ही साथ कच्ची गृहस्थी है, गरीब परिवार है, किसी तरीके से ठेलिया लगा करके अपना जीव को उपार्जन करता था, तो स्वाभाविक रूप से इन सारी परेशानियों को हम संज्ञान में ले रहे हैं और जो भी इसको अधिकतम सहायता हो सकती है कराई जाएगी। मंत्री जी बड़ा सवाल है, यातायात वहाँ चल रहा है, बिना हेलमेट के कार्यकर्ता की मौत हो जाती है, इसका दोषी पुलिस है या जनप्रतिनिधि? आज चूंकि हम अपने कार्यकर्ता के मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं और जब यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि सभा में बैठे हों, पूरा परिवार पीड़ित हो, तो किसी प्रकार की ना राजनीतिक चर्चा में मैं यकीन करता हूं और न किसी आज राजनीतिक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करा रहा हूं। हमारी पूरी पार्टी, हमारे सभी विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी इस शोक संतप्त परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने उपस्थित हैं। कौन है इस पूरी घटना का? अब कौन है कौन नहीं है ये अलग विषय है। और यदि कहीं दोषी, किसी के दोषी होने का कोई संकेत आएगा तो उसका अलग से परीक्षण कराया जाएगा। मंत्री निकाली गई जगह जगह यातायात नियमों का उल्लंघन किया, आपको नहीं लगता?